नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा संजय दत्त और उनके शुरुआती दिनों का है। अभिनेता संजय दत्त ने फिल्मों में बड़े बाल रखने का एक नया ट्रेंड शुरू किया था। थानेदार, सड़क, साजन, ये तमाम फिल्में ऐसी हैं जिसमें उनके बड़े बालों वाले लुक ने खूब लोकप्रियता बटोरी और युवाओं ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया था। लेकिन संजय दत्त के लिए ये एक नया ट्रेंड शुरू करना कोई आसान काम नहीं था। जब उन्होंने फिल्मों के लिए बड़े बाल रखने शुरू किए तो उन्हें प्रोड्यूसर्स का भारी विरोध झेलना पड़ा। उस दौर में हीरो लंबे बाल नहीं रखते थे और प्रोड्यूसर्स को डर था कि संजय के इस नए लुक से दर्शक कहीं निराश ना हो जाएं। लेकिन संजय दत्त ने अपने शौक के आगे निर्माताओं की एक नहीं सुनी और उन्हें साफ साफ कह दिया कि वो इसी हेयर स्टाइल के साथ शूट करेंगे। फिल्म करनी है तो करो, वरना कोई बात नहीं। और संजय दत्त ने इस किस्से का जिक्र एक इंटरव्यू में किया था और उन्होंने बताया था कि मेरे लंबे बालों को लेकर कई दिक्कतें थी। प्रोड्यूसर्स को बोलते थे, लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेकर आ गया, हीरोइन का रोल थोड़ी ही है। संजय दत्त ने आगे बताया कि मैंने कहा मैं तो बढ़ाऊंगा बाल, और लग था कि लड़कों को पसंद आया। संजय दत्त ने इसी दौरान ये भी बताया कि उन्होंने ही फिल्म इंडस्ट्री में हीरो के बॉडी बनाने का ट्रेंड शुरू किया। आप पहले की फिल्मों में देखेंगे तो हीरो हैंडसम तो होते थे लेकिन बॉडी बिल्डिंग की तरफ ध्यान नहीं होता था। ये ट्रेंड संजय दत्त से शुरू होता है। संजय दत्त कहते हैं कि जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की, और उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे, कहते थे कि कहाँ जा रहे हो भाई, 6 बजे हैं। मैंने कहा कि जिम, तो बोलते जिम ये क्या होता है। बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है क्या, अमित जी ने कभी जिम किया है, नहीं। लेकिन जब मैंने बॉडी बनाई तो फिर ये एक ट्रेंड बन गया। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त का हेयर स्टाइल देखकर ही सलमान खान ने अपनी हेयर स्टाइल बदली थी। 90 के दशक में संजय दत्त का हेयर स्टाइल काफी लोकप्रिय हुआ और सलमान खान भी उनके बड़े फैन बन गए। सलमान को जब तेरे नाम ऑफर हुई तब उन्होंने अपने बाल लंबे भी कर लिए और उनके इस लुक को भी काफी पसंद किया गया और युवाओं ने अपने बाल उन्हीं के स्टाइल में रखने शुरू किए थे। सलमान खान को संजय दत्त ने ही बॉडी बनाने के लिए भी प्रेरित किया और उन्हीं के कहने पर सलमान खान जिम भी जाने लगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।